इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। उस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां यूपी में अब 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो लागू होगी। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। करीब 1.5 दर्जन जो प्रस्ताव है वो उस कैबिनेट की बैठक में पास किए गए हैं। तो प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा अब पुलिस कमिश्नर होंगे। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए प्रस्तावों और जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको साझा किया है। तो 13 जनवरी 2020 को यूपी में सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो लागू की गई थी। लखनऊ में सुजीत पांडे और नोएडा में आलोक सिंह को पहला पुलिस कमिश्नर जो है वो बनाया गया था। तो 26 मार्च 2021 को दूसरे चरण में कानपुर और वाराणसी में लागू हुई थी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। तो कानपुर में विजय सिंह मीणा और वाराणसी में ए सतीश गणेश को बनाया गया था पुलिस कमिश्नर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट की आज बैठक हुई है और जिस बैठक में कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं वो पास किए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से सीनियर कोरेस्पोंडेंट शशांक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। शशांक जी, आज जो योगी कैबिनेट की बैठक हुई, इस बैठक में कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो पास किए गए? कि अपराध मुक्त समाज, धर्म मुक्त समाज की स्थापना के लिए कमिश्नरी प्रणाली को लागू करना आवश्यक है। इसको लेकर प्रयास किए गए थे, पहले 2 शहरों में लखनऊ और नोएडा में किया गया, उसके बाद वाराणसी आगरा में किया गया। तो साफ तौर पे अब जो प्रयागराज और अन्य शहरों में जो चीजें हुई हैं उससे एक महत्वपूर्ण चीजें निकल के सामने आ रही है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल को लेकर कमिश्नरेट प्रणाली का जो ये शुरुआत की गई है, ये बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। जी शशांक जी, अगर बात करें तो हमने देखा कि 2020 में जब सबसे पहले कमिश्नर प्रणाली जो है वो लागू की गई थी, इसके बाद हम देख रहे हैं कि आज की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। तो अगर बात करें कमिश्नर प्रणाली की, तो इससे किस तरह से पुलिस विभाग के अंदर तुरंत जो कार्य हैं वो हो रहे हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने में इस प्रणाली का योगदान है? साफ तौर पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह से कमिश्नरी प्रणाली लाए जाने का कारण जो मुख्य रूप से माना जा रहा था, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पहली रिजीम थी, यानी 2012 के बाद 2017 में जब योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तर प्रदेश के समाज के सामने ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को काम में लगाया जाए, जो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी काम में दिया। पहले 5 अधिकारी काम करते थे जिले में, कप्तान और 5 कप्तान काम करते थे। आज भी निगरानी का जो काम है वो कई आईपीएस अधिकारियों ने, 1 दर्जन आईपीएस से ज्यादा अधिकारी शहर जाते हैं, क्राइम कंट्रोल से उनका सीधा संवाद रहता है। और जो मामले दिल्ली के तर्ज पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रणाली की शुरुआत की। लखनऊ और गाजियाबाद, लखनऊ और नोएडा के बाद लखनऊ और नोएडा में पहला सफल प्रयास उनका कारगर था, जिसमें सुजीत पांडे जी को चार्ज दिया गया था और आलोक वर्मा को नोएडा का चार्ज दिया गया था। ठीक उसके बाद में अगर जनवरी की बात है, उसके बाद में अगर मार्च की बात करें, मार्च से भी उन्होंने 3 शहरों को जोड़ा है और अब 5 शहरों को जोड़ने कुल मिलाकर अब 7 शहर ऐसे हो गए हैं जहाँ पर कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत में आईपीएस अधिकारी काम करेंगे। एडीसी रैंक का जो अधिकारी है, जो वहाँ पे कमिश्नर रैंक आईपीएस रैंक का अधिकारी जो है वो वहाँ पे वॉलंटियर करेगा। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से कहना गलत नहीं होगा कि कमिश्नरी प्रणाली होने के बाद से क्राइम कंट्रोल में इजाफा होता है, कहीं ना कहीं अपराध मुक्त समाज की स्थापना के लिए जिले कॉलेज के नीति पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं उसमें आज जो 3 शहरों को पुलिस से जोड़ा गया है,
शशांक जी, जी शशांक जी अगर बात करें तो हम देखते थे कि पहले के समय जब किसी भी क्षेत्र में असामाजिक तत्व या दंगे या घटनाएं इस तरह की बड़े स्तर पर होती थी, उस समय पुलिस प्रशासन किस तरह से काम करता था, और आज के समय जब इस तरह की घटनाएं किसी क्षेत्र में होती है ऐसे में पुलिस प्रशासन अब किस तरह से काम करता है, क्योंकि तुरंत निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। इसी तौर पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि पहले से अगर सुनवर्ती संसारों की बात करें तो लगातार जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे तो लखनऊ के थाना अधिकारी यहाँ से वहाँ पहुंच जाता और इसको लेकर होना निर्णायक भूमिका करना एक बड़ा चुनौती होती थी। ऐसे में अगर एससी लाठीचार्ज की इस वहाँ के तौर पर मैं आपको कहूँ अगर एससी लाठीचार्ज करना चाहता है तो इससे पहले उसे कई अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब एडीजी रैंक का आईजी रैंक का अधिकारी जब स्वयं वहाँ पर बैठा तो घटनास्थल से मुख्यमंत्री की पूरी रूप से मॉनिटरिंग करते हैं और यहाँ पर कई आला अधिकारी आते हैं जिसके क्राइम कंट्रोल में जो भी तत्कालीन निर्णय होते हैं वो ये अधिकारी लेने में सक्षम होते हैं, जिसके परिणाम ये होता है कि घटना जो है ज्यादा नहीं बढ़ पाती है, दंगे हैं जो ज्यादा नहीं बढ़ पाते। ऐसे में असामाजिक तत्वों की अगर बात करें उन पर अंकित और भय स्थापित करने के लिए ये सफल प्रयास कारगर हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर साथ अब महानगरों में इस तरह से कलेक्ट्रेट प्रणाली लागू हुई है। ये कहना गलत नहीं होगा, अपराध सांस्कृतिक और अपराधी मानसिकता वाले लोग अपराध करने से पहले एक बार सोचेंगे। शशांक जी जिलों में अब लखनऊ के आला अधिकारियों से नहीं जिसके दोस्त में घर से लग जाते थे, अब निर्णय तत्काल होंगे, फैसले होंगे तत्काल होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो आईपीएस अधिकारी वहाँ पहुंचे है खुद एडीजी रैंक के अधिकारी है, डीजी रैंक के अधिकारी है, आईजी रैंक के अधिकारी है, जिनकी निर्णायक क्षमता तत्कालीन होती है और वो तत्काल फैसले लेकर क्रियान्वयन करता है। शशांक जी हमने देखा है कि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो सख्त हुए एक्शन मोड में नजर आए, इसके अलावा कमिश्नर प्रणाली जब से लागू हुई तब से हमने ये भी देखा कि अपराधियों में खौफ का माहौल है। हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे खूंखार अपराधी हैं, वांटेड अपराधी हैं, जो खुद अपने गले में तख्ती डाल के जाते हैं और उनमें भय रहता है कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस हमारा एनकाउंटर कर दे। आपने भी सीधे तौर पर एक बड़ा ध्यान बताया कि लोग तख्ती लगा करके थानों में जाकर शरण लेते हैं, उन्हें लगता है कि बाहरी दुनिया से ज्यादा उनके अपराध में समाज की स्थापना के लिए अपराधियों के अंदर भय स्थापित योगी आदित्यनाथ के खिलाफ संसार अपराधी सात अपराधियों की अब सरेंडर हो गया है। वो अपराध करने से पहले सौ बार सोचते हैं कि परिणाम क्या होगा, राष्ट्रीय से लगातार अपराधियों की बात करें, बड़े बड़े अपराधियों की बात कर लें, उनकी संपत्ति तक पूर्ति की जा रही है, उनके परिवार और उनके द्वारा अर्जित चल अचल संपत्ति पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात चला रहे हैं। खासतौर पर अगर देखा जाए सरकार की मंशा यह है कि अपराधी तत्व द्वारा अर्जित जो संपत्ति वो जिनको उन्होंने अर्जित किया है उसे उसमें भी एक बुलडोजर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो साफ तौर से चल रहा है। तो अपराध और अपराधियों के अंदर भय याद करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहल बहुत ही कारगर सिद्ध हुए, जिसको लेकर चार सफल प्रयास वाराणसी सहित लखनऊ और अन्य शहरों की अगर बात करें वहां पर जो सफल प्रयास है उसको आज उन्होंने तीन जगह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया है और आने वाले समय में ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं तीन जिले हैं वो सब जगह कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो जाएगी। आने वाले समय में अपराधी अपराध करने से पहले चौबा सोचेगा, फिलहाल कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद में उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाली जो बात कही जा रही है कहीं ना कहीं कारगर की देखी नजर आए। जी शशांक जी धन्यवाद आपको इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। आपको बता दें कि आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस महत्वपूर्ण बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो पास किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो करीब डेढ़ दर्जन जो प्रस्ताव है वो पास किए गए हैं। अब यूपी में सात महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो लागू की गई है। तो कैबिनेट की बैठक में बड़े प्रस्ताव जो है वो आज पास किए गए हैं। प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा अब पुलिस कमिश्नर होंगे।